पागलखाना स्थित दुकानों की चौल जो कि 1975 से स्थायी रूप से है, फिर भी घर मालिक श्रीनिवास भुरामकर ने बिल्डर आरिफ तवक्कल को बेची यह जमीन। आरिफ तवक्कल ने यह जमीन संतु चावला को बेची है। चावला ने गुंडे और बदमाशों के साथ मिलकर जबरन दुकान खाली करने की कोशिश की। दुकानदार की दुकान नहीं खाली करने पर मंगलवार जोन के आयुक्त हरीश रावत से आपसात घाट मिलाकर अतिक्रमण कार्रवाई करने की कोशिश की है। हालांकि दुकानदार पिछले 50 सालों से वहां पर गुमाश्ता, इलेक्ट्रिक बिल सभी संपूर्ण पेपर के साथ बैठे हैं। उन दुकानों से 200 लोगों की जीवन याचिका भी चलती है। बिना नोटिस एनएमसी द्वारा दुकान खाली करने की कोशिश की गई। तत्पश्चात पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने आयुक्त हरीश रावत इनसे चर्चा की, एनएमसी की कार्रवाई पर रोक मांगी है, साथ ही स्थायी रूप से इन दुकानदारों को जगह दी जाए। इस समय दुकानदार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सभी दुकानदार मोहम्मद सलीम, रमेश लाल भेजा, लखन भतीजा, जगदीश रमाणी, ललित तिवारी, संजय देशमुख, उमेश राउत, राजेंद्र खारघर के प्रति घर के जय नारायण माधुली, रहमान, इमरान मोहम्मद ताहिर आदि दुकानदार उपस्थित थे। देखा कि यहाँ पर 16-17 दुकानें पक्की दुकानें जिन पे अचानक एनएमसी वाले अतिक्रमण के लिए आए पूरे पुलिस बल के साथ। तो जब मैंने जाना, यहाँ पर मेरे भी छोटे भाई की दुकान है जो कई सालों से है, और यहाँ 1977 से इन लोग पूरे यहाँ पर दुकान लेके बैठे हैं और इनकी सबकी पक्की दुकान है, गुमास्ता है, इलेक्ट्रिक का बिल आता है इनको और बाकायदा यह किराया पे करते हैं। और इन सबकी मांग है कि यहाँ पर स्थायी रूप से इनको दुकान मिल जाए, स्थायी रूप से इनकी दुकान मिल जाए। और मैं इन लोग ने बताया कि कुछ सदोदय बिल्डर करके है संतु चावला, जो संतु चावला जिन्होंने ये जगह भी खरीदे है, और कुछ बदमाशों गुंडा तत्व के साथ यहाँ पर आए थे और एनएमसी को भी इन्होंने एनएमसी के आयुक्त को उसको भी सेटिंग करके यहाँ पर इस पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए थे, परंतु यहाँ के लोगों जागरूक नागरिक और सभी लोग आए। हाँ, यहाँ पर विकास ठाकरे जी आए, यहाँ के आमदार, जिन्होंने आयुक्त से बात किए और उनको समझाए कि ये जगह इनकी प्रॉपर इनकी जगह है। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। हम लोग यहाँ करीब 50-60 साल से, हमारे पिताजी भी थे, वो यहाँ पर पूरा बिजनेस कर रहे थे। ये पागलखाना चौक पे करीब करीब 16-17 दुकानें हैं और इस पर कम से कम 50-60 परिवार के लोग सदस्य वो निर्भर करते हैं। तो अभी ऐसा हुआ है कि ये जो है पीछे की जगह जिसको खाली किया गया है और पूरा मैदान बनाया गया है, लेकिन हम जो है किराएदार है, पहले भुमराड़ करके किराएदार थे और अभी भी आए और हम उनको किराए भी दे रहे हैं और उसकी स्लिप वगैरह हमारे पास पूरी रेडी है और हमारे पास गोमास्ते बने हुए, इलेक्ट्रिक बिल है, सब कुछ है। करीब हम यहाँ पर 50-60 साल से अपना व्यवसाय कर रहे हैं और अभी क्या हुआ कि भाई घुमराड़कर जी का किसी के साथ सौदा हुआ, संजू चावला करके उनके साथ में और एक और तौक्कल बिल्डर उनके साथ में। तो इन लोगों का क्या है हमको इसके बारे में कोई डिटेल पता नहीं है। इनको पूछो तो बोलते कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हमको इसके बारे में कोई डिटेल पता नहीं थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज़ नागपुर।